नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे शेयर के बारे में जो कि आज 20% का अपर सर्किट हिट किया है। तो दोस्तों वैसे भी शेयर है जो 35% तक आज बढ़ा है और ये स्टॉक तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो चलिए इन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो जो 35% तक आगे बढ़ा वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि जो COVID-19 का ट्रीटमेंट है उसका पहला ट्रीटमेंट का जो मेडिसिन है वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स बनाया है। तो इस खुशी में कहिए इन्वेस्टर का जो इस पे बिट है वो जो बेट लगाया है वो पॉजिटिव में लगाया, जिससे के कारण देख सकते हैं अभी भी 28% पर क्लोज हुआ और कभी ये एक दिन में 35% तक अप था। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम वो लेते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं 26%। तो इस तरह से आपको एक दिन में इसमें 35% तक का पॉजिटिव रिटर्न देखने मिला था, क्योंकि ये गैप अप यहाँ पर ओपन हुआ था। जो प्रीवियस क्लोज था वो देखते हैं 409 था और ये ओपन हुआ 450 पे। इतना पॉजिटिव न्यूज़ था ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में कि ये COVID-19 के जो ट्रीटमेंट है उसके खबर आने से कि मेडिसिन जो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स बनाएगा COVID-19 ट्रीटमेंट का, ये देख सकते हैं 35% से भी अभव ये मतलब जा चुका था और उसके बाद फिर कंसोलिडेटेड होकर के ये देखते हैं करेक्ट होकर के 28% पे क्लोज हुआ है। तो ऐसे न्यूज बेस्ड आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग के पर्पस से आपको हम सलाह नहीं देते हैं। आपको अपना विचार करना है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं, क्योंकि अभी इसमें आपको काफ़ी तेज़ी देखने मिलेगा। तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग इंट्राडे इसमें कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है कैपिटल का। तो ये जो है अब कितना आगे तेज़ी दिखाता है ये तो अब आगे डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि कितने दिन तक ये लगातार तेज़ी इसमें बना रहता है कि या अब तेज़ी इसमें कम हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको देख करके फिर इसमें आपको पोजीशन बनाना है। तो अभी देखते हैं ये 52 वीक हाई प्राइस पे चल रहा है। तो पहला था ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो 20% नहीं कहिए एक तरह से 40% तक का मूवमेंट इसमें देखने मिला था। उसके बाद है इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत सारे जो है फार्मा कंपनियां हैं आपको मिलेंगे आज, जिसमें 20% का तेज़ी देखने मिला है। तो इसमें भी देख सकते हैं 20% का तेज़ी है, बहुत ही ये मतलब देख सकते हैं यहाँ पर जो 52 वीक लो है 28 रुपीज़ का है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लगभग 100% का रिटर्न देने वाला है। तो आप देख सकते हैं इन सारे स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी है। तो आप भी जो अच्छी कंपनियां फार्मास्यूटिकल्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आज देख सकते हैं 8.75 रुपीज़ का तेज़ी है, जो कि 20% तेज़ी था परसेंटेज में और रुपीज़ में 8.75 रुपीज़। तो ऐसे अगर बेहतरीन स्टॉक्स मल्टीबैगर स्टॉक्स अगर आपको कोई मिल जाते हैं, हम इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते हैं। आपको अपना रिसर्च करना है कि कौन से वैसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी आपको फार्मा सेक्टर में लगातार उसमें तेज़ी देखने मिल सकता है आगे COVID-19 से रिलेटेड। जैसे ग्लेनमार्क है, अगर आप आज से पहले उसमें इन्वेस्ट किए रहते तो आज आपको अकेले 40% का रिटर्न प्राप्त होता। तो इस तरह से आगे भी हो सकता है उसमें तेज़ी बना मिले आपको। तो इस तरह से अभी बहुत सारे COVID-19 के केस के कारण जो बहुत सारे मेडिकल कंपनियां हैं, जो मेडिसिन से रिलेटेड कंपनियां, उसमें तेज़ी देखने मिल रहा है। तो आप अच्छी कंपनियों को चूज कर सकते हैं जो कि इससे बेनिफिटेड होगा COVID-19 से। तो जिसको भी बेनिफिट होगा उस कंपनी में आपको काफ़ी तेज़ी देखने मिल सकता है। तो मैक्सिमम ईयर का चार्ट का हम बात करते हैं तो देख सकते हैं कभी कभी ये पहले भी 60 रुपीज़ के आसपास जा चुका है, अभी भी ये अपने जो ऑल टाइम का हाई है उससे नीचे ही है। और वहीं ग्लेनमार्क की बात करें और जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है, तो मैक्सिमम ईयर में चार्ट देखेंगे तो ये भी देख सकते हैं 1000 के लेवल तक जा चुका था। तो अभी भी इसमें ऑल टाइम हाई से बहुत ही नीचे मिल रहा है ये भी स्टॉक्स। तो बहुत सारे जो मेडिसिन से रिलेटेड जो फार्मा कंपनियां हैं उसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिल रहा है। फिर देख सकते हैं एक और फार्मा कंपनी है सुभेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इसमें भी देखते हैं 20% का तेज़ी, 19.99% मतलब 20% का तेज़ी। इसका भी 52 वीक लो देखिए मार 175 रुपीज़ है और यहाँ से ये देखते हैं 477 तक जा चुका है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर का चार्ट, तो ये तो अप्रैल, ये तो फरवरी में ही लिस्ट हुआ है देख सकते हैं, और यहाँ से लो बनाया था 200 से भी नीचे 175 का, वहाँ से ये देख सकते हैं कितना रिटर्न दे चुका है आपको, अपने लो से 150% तक का रिटर्न ये दे चुका है।
तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स अगर आप फंडामेंटल रिसर्च कर लेते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लें और फंडामेंटल उसके पूरी तरह से देख लें कि मैनेजमेंट कैसा है, बिजनेस आगे कैसा रहने वाला है, उसका बिजनेस जो है मार्केट में कितना परसेंट शेयर है बिजनेस में, तो सारी चीज़ देखने के बाद आप इस इन्वेस्ट करने के लिए विचार कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड। तो इसका भी मैक्सिमम रिचार्ज देखिएगा तो ये काफ़ी लो है, देखते हैं 100 रुपीज़ का लगभग ये स्टॉक्स हुआ करता था, अभी मात्र देख सकते हैं 23 रुपीज़ का है। तो ये भी स्टॉक्स आज 20% का तेज इसमें देखने वाला, 19.95 मतलब 20% ही हुआ। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि लगातार 20% का मूवमेंट दिखा रहा है, तो ऐसे स्टॉक पे आप नज़र बना के रखें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, उस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी जो यहाँ का लो है देख सकते हैं 24 मार्च का, वहाँ से 150% का ये इसमें तेज़ी आ चुका है। तो समझ सकते हैं इतनी तेज़ रफ्तार से ये सब स्टॉक्स बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कोई मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। साथ साथ आगे का जो कंडीशन है वो भी याद रखें, आगे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में हो सकता है थोड़ा सा गिरावट भी देखने मिले, जैसे डिफ़ॉल्ट रेशियो बढ़ता है लोन का, तो सारी सिचुएशन देखना है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला है हमारा देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका भी चार्ट देखिएगा तो देख सकते हैं 100 रुपीज़ से एवव का कभी ये स्टॉक्स हुआ करता था, अभी मात्र देख सकते हैं 8.45 रुपीज़ का है। इसका भी हम देखते हैं 6 मंथ का चार्ट, तो ये भी अपने लो से देख सकते हैं कितना 156% मतलब 150% से भी काफ़ी ज़्यादा ये रिटर्न दे चुका है। मतलब यहाँ से लो देखिएगा 2.85 रुपीज़ है और हाई देखिए 8.45 रुपीज़ जो बना चुका है आज, तो इसमें भी 20% का तेज़ी देखने मिल रहा है। तो ये पेनी स्टॉक्स है, इस पर तो बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट ना करें जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो जाए कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का हर चीज़ अच्छा है, तब तक आप इन्वेस्ट ना करें। तो सारे फंडामेंटल रिसर्च आपको कर लेनी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है ऐसे पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि पेनी स्टॉक देखने में आपको अभी अट्रैक्टिव लग रहा होगा कि अभी 8 रुपीज़ का स्टॉक्स है, इसमें हम 1000 शेयर तो आराम से बाय कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स जो है कब लोअर सर्किट लगाने लगेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 8 जून को इसमें स्टार्ट हो गया था लोअर सर्किट, तो इस तरह से कब अपर सर्किट लगेगा कब लोअर सर्किट ऐसे स्टॉक्स में कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक में आप भी केयरफुल एकदम सावधान रहें अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। उसके बाद अगला है हमारा SMS फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये भी देख सकते हैं आज 20% अप है। लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा तो इसका भी हाई 100 रुपीज़ एवव था, मतलब जो ऑल टाइम हाई है, और ये भी स्टॉक्स अभी काफ़ी तेज़ी इसमें देखने मिला है, अपने लो से ये भी स्टॉक्स काफ़ी मूवमेंट दिखा चुका है। तो समझ सकते हैं ऐसे स्टॉक्स अगर आपको अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, अच्छी कंपनियां हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी 150% से अधिक का तेज़ी दिखा चुका है। तो कई सारी फार्मा कंपनियां हैं, अभी जो 6 कंपनी आपको हमने दिखाया उसमें से 3-4 आपको फार्मा कंपनी ही थी। अभी हमने जो 6 कंपनियां आपको दिखाया जिसमें 20% का अपर सर्किट आज देखने मिला, उसमें से 3-4 जो है आपको फार्मा कंपनियां थी। तो समझ सकते हैं फार्मा कंपनियां जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और जिसमें बिजनेस में भी आगे ग्रोथ हो, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो कि आगे भी तेज़ी उसमें लगातार बना रहे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और स्टॉक मार्केट से लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।